महिला, महिलाओं को आपने कई फील्डों में देखा होगा, जैसे मॉडलिंग फील्ड है, एक्टिंग फील्ड है, टीवी सीरियल्स में काम करने वाली महिला कितना स्ट्रगल होता है, किस तरह से वो अपने अप्स एंड डाउन्स को फाइट करती है। अपने साथ आज मौजूद है 2018 में मिसेज इंडिया लेगेसी के विनर, क्लासिक विनर 2018 की अंजलि जीनवाला। उनके साथ हम बात करेंगे कि इस वुमेंस डे पे वो किस तरह से महिलाओं को एक अनोखा संदेशा देंगी और किस तरह से वो आने वाली जो यूथ है, महिला यूथ है, उन्हें किस तरह से मोटिवेट करेंगी। अंजलि जी, आज है वुमेंस डे है और किस तरह से आप एक महिला का असली अर्थ आपके हिसाब से क्या है? नमस्ते, मैं अंजलि जीनवाला। इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे पूछा है, क्योंकि हम महिला तो है, महिला का जो वर्ड्स है वो वर्ड्स नहीं है, महिला यानी आद्यशक्ति, माँ आद्यशक्ति। कि कहते हैं कि जब सात देवियाँ मिलती है तब वैष्णव देवी का जन्म हुआ था, इसी तरह ये महिला जो वर्ड्स है ना, वो भी उसी असंख्य शक्तियों जो रहती है ना, उनसे बना हुआ एक महिला का ये शब्द का अर्थ होता है। तो जिनसे होता है एक शक्ति, महान शक्ति, उसको बोलते हैं महान, यानी माँ भी इसको बोल सकते हैं, कि जहाँ से ये महिला शब्द हुआ है। आपने जब ये मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया, एक महिला के अंदर कितना कॉन्फिडेंस कितनी मात्रा में बहुत ज़रूरी है? जी, ये बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस बिना तो आप कुछ भी नहीं हो। और मॉडलिंग की फिल्में तो मैं बोलूँ कि देखो, आप जाओगे मॉडलिंग के फिल्में, फैशन के फिल्में जाओगे, तो पहले तो आपको सोसाइटी फेस करनी पड़ेगी, फैमिली को फेस करना पड़ेगा, लेकिन इनके लिए, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं कि ये क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, पहले तो आप में जो ये डर है ना, वो आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी काम करने जाते हो, आप स्कूल में पढ़े हो, टीचर आपको पढ़ाती है, लेकिन वो पढ़ाती है, लेकिन जो मेहनत रहती है वो आप जब करोगे तब उसका रिजल्ट आपको दिखेगा ना। तो कॉन्फिडेंट कहीं नहीं होती है, कॉन्फिडेंट अपने आप में होता है। जब आपने ये करियर सिलेक्ट किया तो फैमिली का कितना कैसा रिस्पॉन्स था, उनका सपोर्ट आपके इस करियर में कितना योगदान था? फैमिली, विदाउट फैमिली तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे फैमिली में स्पेशली मैं थैंक्स टू मेरे हस्बैंड, मेरे दो किड्स, उसमें मेरी डॉटर का मुझे बहुत सपोर्ट है, क्योंकि वो भी एक खुद, आज तो वो बच्ची है, कहीं ना कहीं वो भी आगे जाके एक महिला बनेगी, औरत बनेगी, तो उसने मेरी फीलिंग देखी है कि मेरी मम्मी की जो इच्छा है, जो बचपन में मेरी मम्मी की जो इच्छा थी, जो वो मुझे बनाना चाहती थी, लेकिन मैंने मेरी मम्मी में वो चीज़ देखी है कि नहीं, मेरी मम्मी आज भी इस एज में भी, आफ्टर मैरिज, आफ्टर टू किड्स, मेरी मम्मा कर सकती है, तो उसने मुझे इसमें बहुत सपोर्ट किया है। और मेरी फैमिली में क्या है कि मेरे हस्बैंड और मेरे जो किड्स, वो हम लोग ऐसे ही रहते कि हम सोसाइटी को साथ में रखते हैं, लेके चलते हैं, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, अपनी जो खुद की लाइफ है वो अपनी है। और ये कहते हैं कि इंडिया जो है, भारत जो है, वो एक आज़ाद देश है, उसमें सबको जीने का हक है, उसमें क्या गलत है क्या सही है वो सोचने का हक अपने को है। तो उसमें इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्या बोलेंगे वो मत सोचिए, क्योंकि अगर लोग क्या बोल देंगे ना, वो सोचोगे तो आप रोगी हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। इसलिए मेरे फैमिली ने मुझे एक ही चीज़ समझाई कि नहीं, आप करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी, शादी के बाद कई महिलाएं अपना जो करियर है वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, सेक्रीफाइस करती हैं, ऐसी महिलाओं को कितना आगे बढ़ना ज़रूरी है अपने सपनों के लिए? जी हाँ, एक सच बात बोलूँ, मैंने भी 15 साल, मैंने भी बहुत सफ़र किया है इसमें। मैं बहुत अच्छे फैमिली से, बहुत अच्छी, मैंने लुट्स कॉन्वेंट में स्टडी किया है, मैंने भी शादी के बाद 15 साल बहुत सफ़र किया है, मेरी जो इच्छाएं थी वो मैंने सब भुला दी थी, लेकिन इसके बाद जब मैंने देखा कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो बोलते हैं ना कि सूरज उगता है तो वहाँ से दिन शुरू होता है, तो मैंने भी मेरे लाइफ में यही किया कि मेरी एक सोच मेरी लाइफ पूरी आज बदल डाली, कि मैंने तो देखा कि नहीं, मुझे इस फील्ड में जाना है, सो मैंने वो चीज़ किया।
और उसमें क्या रहता है कि जो शादीशुदा रहती है उनको पहले ससुराल, फिर शादीशुदा होने के बाद भी उन लोगों के लिए एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अपने पापा का घर वो भी देखना पड़ता है, उनकी भी जो एक इज्जत होती है, साथ में ससुराल की भी एक इज्जत होती है। मैंने दोनों संभाल के रखा और मैंने इस फिल्म में आगे बढ़ी और मैंने ये सफलता पाई। जी, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट है जो फुल आपकी लाइफ करियर को चेंज कर दिया और एक सुंदर सा एक्सपीरियंस दिया? मेरी लाइफ में ऐसे तो मेरे लिए वेल विशेस बहुत है, बट इसमें तो मैं क्या बोलूँ कि आफ्टर 40 मैंने जीना शुरू कर दिया। जो मैंने ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, मैंने वो मूवी बहुत बार देखी। कई बार हम लोग मूवीज़ देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसी मूवी आ जाती है, वो मूवी से हमको एक लेसन मिलता है, मोरल मिलता है कि हम लोग भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो मैंने भी बस वही सोचा कि हमको करने के लिए नहीं कोई एज, कोई उम्र, कुछ भी नहीं रहती है, बस आप हिम्मत रखो, आपको जो भी करना है अपने आप पर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंट रखो और वहाँ से शुरू करो अपना काम। जब आप वो क्राउन लेके जब घर पे आए तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे लोगों ने उस चीज़ पे रिएक्ट किया? पहले तो मैं वहीं पे जहाँ पे खड़ी थी, दिल्ली स्टेज पे खड़ी थी, और वहाँ पे इन्होंने जब अनाउंस किया तो मुझे पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सोचते जब आदमी टेंशन में रहता है तब शरीर में स्वेटिंग होती है, लेकिन मुझे तो ये सुनने के बाद मेरे हाथ पर एकदम गर्म हो गए, स्वेटिंग हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या इन्होंने अनाउंस किया। फिर मुझे आगे बुलाया, फिर पहले तो मैंने ना गॉड को बोला कि गॉड थैंक यू, गॉड को बोला, फिर मैंने पूरे यूनिवर्स को बोला, यूनिवर्स के बाद मैंने अपने आप को थैंक यू बोला, फिर फैमिली फ्रेंड्स और सबको बोला, और मेरे लिए सबसे एकदम हसीन वर्ड्स जो था, वाओ। वुमेंस डे पे आप महिलाओं को क्या संदेशा देंगी? बस मैं हर वुमन को यही कहना चाहती हूँ, नारी तू नारायणी, आप में बहुत शक्ति है, हम लोग वही सब काम कर सकते हैं जो आज मैंने किया है ना, वो आप लोग भी कर सकते हो, बस एक आपका हाथ आगे बढ़ाए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आप किसी से मत डरिए, अपनी इच्छाओं को मत दबाइए, आगे बढ़ो। जहाँ पे अपनी इंदिरा गांधी जी थे, फिर सुष्मिता सेन थी, ऐश्वर्या राय थी, बहुत सारी ऐसी महिला है जो आकाश तक पहुँच चुकी है, आप भी उड़ो, बस मेरी यही वेल विशेस है सबके लिए।